सुबह उठने के बाद जैसे ही हम पैर नीचे रखते हैं, अचानक से पैर में, एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, चलने में भी दिक्कत होने लगती है, और फिर समझ में नहीं आता है कि ये इतना दर्द हो क्यों रहा है। फिर हम जिससे भी बन सके उससे पूछते हैं या फिर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, और ऐसे में हमें पता चलता है कि हमारे एड़ी में ये दर्द है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, बोन की वहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर से पैर में सूजन है, और ऐसे में समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना चाहिए। फिर कुछ लोग इंजेक्शन लेने का सजेशन देते हैं, कुछ लोग ऑपरेशन तक के भी बता देते हैं, और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसे हम एड़ी का दर्द कहते हैं ये होता क्यों है, इसका क्या कारण है, और इसके लिए क्या उपाय हमने करने चाहिए, क्या घरेलू नुस्खे हमने अपनाने चाहिए जिससे ये दर्द पूरी तरह से ठीक हो सके। इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पे विस्तार से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एड़ी में दर्द होता क्यों है, क्या इसके कारण है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप परेशान हैं काफ़ी दिनों से और आप पूरी तरह से इसे ठीक होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कारण से लेके इलाज तक हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि एड़ी में दर्द होता किस वजह से है। तो मुख्यतः दो चीज़ें होती है जिसकी वजह से एड़ी में दर्द होता है। पहली चीज़ होती है हड्डी का बढ़ जाना, जिसे हम कहते हैं कैल्केनियल स्पूर, यानी कि पैर के पीछे की जो हड्डी होती है, जो एड़ी की हड्डी होती है, वहाँ पे एक ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पे हड्डी थोड़ी बाहर आ जाती है, बढ़ जाती है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण इसमें होता है जिसे हम कहते हैं प्लांटर फेसिया, यानी कि हमारा जो पैर है इसमें ऐसा आर्च होता है, देखिए इस आर्च को जोड़ने वाली जो मसल होती है, जो टेंडन होता है जिसे हम कहते हैं प्लांटर फेसिया, उसमें अगर किसी भी कारण से सूजन आ जाए तो इसकी वजह से एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने धनुष्य बांध देखा होगा, आर्च रहता है उसको इस तरह का। तो ये जो आर्च होता है उसके नीचे से एक रस्सी बांधी हुई होती है जो उस आर्च को बना के रखती है। उसी तरह से हमारा जो पैर है, ये जो हमारी एड़ी है, यहाँ से लेके उंगलियों तक के एक टेंडन होता है, एक खिंचाव के जैसे रस्सी जो है वो बांधी होती है यहाँ पे, जो हमारे पैर के इस आर्च को मेंटेन करके रखती है। अब किसी भी कारणवश अगर उसको इंजरी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, स्वेलिंग वहाँ पे आ गई, सूजन आ गई, तो आपके पैर में प्लांटर फेसाइटिस यानी कि दर्द शुरू हो सकता है, या फिर एड़ी में भी दर्द शुरू हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ों के कारण क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहला कारण है किसी भी कारणवश आपके पैर में इंजरी हो गई, कुछ लग गया आपको, तो आपके पैर में, एड़ी में और प्लांटर फेसिया में सूजन आके दर्द हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसमें है फुटवेयर से रिलेटेड। लेडीज़ में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, हाई हील सैंडल्स अगर यूज़ करते हैं तो पैर का जो नॉर्मल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से आपके फेसिया में तकलीफ हो सकती है, सूजन आ सकती है, या फिर किसी कारणवश ये हड्डी में भी सूजन आ सकती है। तो ये एक कारण होता है महिलाओं में एड़ी के दर्द का, और इसीलिए महिलाओं में ये प्रमाण ज़्यादा देखा जाता है। उसी तरह से पुरुषों में अगर आप शूज़ जो है अच्छे फिटिंग के नहीं पहनते हो, या फिर कंफर्टेबल शूज़ नहीं पहनते हो, या फिर शूज़ में जो सोल है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उससे भी क्या होगा, आपके पैर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, और जिसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तीसरा कारण इसमें देखा जाता है, आजकल हम देखते हैं कि टाइल्स जहाँ वहाँ लगी है, और उसकी वजह से आपके पैर जो है उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पैर इस तरह से रहना चाहिए, तो हार्ड सरफेस की वजह से या फिर बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से महिलाओं में देखा जाता है, किचन में बहुत देर तक महिलाएं खड़ी रहती है, ये भी कारण हो सकता है एड़ी के दर्द का। चौथा और मुख्य कारण जो इसमें देखा जाता है वो होता है कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की डिफिशियंसी। सो कैल्शियम की कमी अगर आपके शरीर में है, विटामिन डी की कमी है, तो डेफिनेटली हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, और इससे भी ये दर्द हो सकता है। सो नेचुरली कैल्शियम और विटामिन डी कैसे बढ़ाना चाहिए, इससे रिलेटेड भी मेरे दो वीडियोस हैं, वो आप ज़रूर देखिए। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि घर पे ही कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें खाने की वजह से हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इस तरह की जो बीमारियाँ होती है इसमें भी हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें भी एड़ी का दर्द हमें देखने मिलता है। ये तो हो गए इसके कारणों के बारे में।
अब महत्वपूर्ण बात जो होती है वो होती है ट्रीटमेंट के बारे में कि भैया इसको ठीक कैसे किया जाए। तो आइए समझते हैं एड़ी के दर्द को पूरी तरह से कैसे ठीक करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम इसमें आपको करना है, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी की ही दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि इसमें अगर हम पेन किलर लेते हैं या थोड़ी देर के लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं तो वो टेम्पररी ट्रीटमेंट है, इससे ये बीमारी पूरी तरह से नहीं जाएगी, वापस से आ सकती है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स है जिससे ये तकलीफ पूर्ण रूपेण ठीक हो सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप होम्योपैथी लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दवाइयों के नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ ताकि आप खुद मेडिकल पे जाके दवाई ना ले। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके शरीर का आपके मन का पूरा स्टडी करके फिर दी जाती है, तो आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, आप मुझसे कंसल्टिंग भी ले सकते हैं। होम्योपैथी की ट्रीटमेंट आप कीजिए जिससे ये पूर्ण रूपेण ठीक हो सकता है। अब समझते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में जो अगर आप सीखेंगे तो घर पे ही आप इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका डायग्नोसिस करना चाहिए, क्या कारण है जिसकी वजह से ये हुआ, वहाँ तक पहुँचना चाहिए ताकि परमानेंटली ये ठीक हो जाए और आपको बार बार ये तकलीफ ना हो। तो समझते हैं घरेलू नुस्खा नंबर वन। आपको करना ये है कि एक स्टील की बॉटल आप ले सकते हैं, पानी की बॉटल, या फिर आप टेनिस का बॉल ले सकते हैं, उस पर आपको इस तरह से पैर रखना है और इस तरह से पैर को रोल करना है, 4 से 5 मिनट तक आप ये कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो ये प्लैंटर फेसिया जो आपका है वो रिलैक्स हो जाएगा और उसकी वजह से जो स्वेलिंग आई है, जो सूजन वहाँ पे आई है, वो भी ठीक हो जाएगी और आप इस तकलीफ से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये रोज आपको सुबह शाम करना है, दिन में 2 बार, 4 से 5 मिनट। दूसरी चीज़ जो घर पे आप कर सकते हो वो है, आपको एक टॉवेल या फिर कपड़ा नीचे फर्श पे डालना है और अंगूठा और उंगली से इस तरह से खींचना है उसको, ये आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। इससे भी क्या होगा, जो आपकी यहाँ की मसल्स है, जो प्लैंटर फेसिया है, वो रिलैक्स हो जाएगा और ये तकलीफ कम होने में मदद हो जाएगी। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, आप अगर हाई हील सैंडल पहनते हैं उसे बंद करिए, अगर आपका शूज़ हार्ड है तो आपको सिलिकॉन पैड्स मिलते हैं वो आपके शूज़ में डालने के लिए, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्थोरेस्ट चप्पल मिलती है आपको, ऑर्थोरेस्ट शूज़ मिलते हैं, वो आप लेके आइए, बहुत ही स्मूथ ये शूज़ होते हैं, बहुत ही स्मूथ चप्पल होती है, जिसकी वजह से अगर आपकी हड्डी यहाँ की बड़ी है तो उसको भी रेस्ट मिलेगा और जल्दी से उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल दवा है, बहुत ही सिंपल तरीका है जो आप घर पे ही इस्तेमाल करके पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और एक नुस्खा आप घर पे ही कर सकते हैं और वो है कॉन्ट्रास्ट बाथ। इसमें आपको क्या करना है, एक टब में या एक बकेट में गर्म पानी लेना है और दूसरे इसमें टैप वाटर, रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो आपको लेना है, ठंडा पानी लेना है। सो आप क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इस गर्म जो पानी है, जो गर्म पानी है उसके अंदर 3 से 4 मिनट तक पैर रखेंगे, उसके बाद आप पैरों को निकालेंगे और ठंडे पानी में रखेंगे। इस चीज़ को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है, सुबह शाम आप ये कीजिए, इससे क्या होगा, स्वेलिंग तुरंत कम हो जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो ये थे वो घरेलू नुस्खे जो आप घर पे ही करके इस दर्द से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।